बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्यप ब्लॉग। और आप जो है देख रहे हैं कि मैं काम कर रही हूँ। जी हाँ, आज की रूटीन वर्क में मैं बनाने लगी हूँ राइस। और मैं प्याज काट रही थी। देखें, प्याज काटने का जो है मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले मैंने प्याज को छील लिया है, और उसके बाद जो है मैंने जब प्याज को छीला उसको मैंने डाल दिया इन द वाटर, ठीक है, पानी में डाल दिया। और पानी में डालने के बाद उसकी जो झल होती है, जो चीज़ जो झल होती है, वो जो पानी आँखों में पानी जो है महसूस करवाती है, जी पानी आता है आँखों में। तो मैंने जो है प्याज को जब डिप किया उसके बाद वाटर से धो लिया, और धोने के बाद मैंने इसको काट लिया। तो इसीलिए मेरी आँखों में ज़रा भी पानी नहीं है, तो मैं बिल्कुल फ्रेश होकर मैंने जो है प्याज काटी है। आज बनाने लगे हैं जी हम राइस, बच्चों की फरमाइश पर। जी हाँ, ये देखें, मैं जो है मेरा बेटा सामान ले आया था, और ये राइस चावल देख रहे हैं आप, के चावल भी जो है आ चुके हैं। अब जो है मैं प्याज भी काट चुकी हूँ, इसलिए नहीं है कि मैंने प्याज को धोकर काटा है। और ये पानी भी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर और मिर्चें, और जो है ये लहसुन भी डाल दिया। ये देखें आप लहसुन, तो मैं इसको जो है ग्राइंड करूँगी, और ग्राइंड करने के बाद जो है फिर मसाला जो है मेरा तैयार होगा। फिर मैं जब मेरा मसाला तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं जो है राइस को जो है साफ़ करके भिगो दूंगी। और ये है कि जब इन चावलों को पकाया जाता है तो उसी वक्त जो है चावलों को भिगो दिया जाता है। अगर ज़्यादा देर चावल भिगोऊंगी तो ये ज़रा नरम हो जाएंगे। तो मेरा तो ये पकाने का तरीका है, बाकी आपका पता नहीं कैसा तरीका है। जी यकीनन आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मेरे यूट्यूबर्स जो हैं तमाम लोग, उनकी भी वीडियो को जो है आप लाइक किया करें, और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मैं यही कहूँगी कि जो न्यू अब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप मेरे जो है चैनल को कश्यप ब्लॉग चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। जी शाम का टाइम है, तो अल्लाह ताला ने दुआएं सुन ली हैं। मौसम जो है सुबह से अच्छा है, मतलब सुहाना मौसम है बहुत ज़्यादा। अब शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। मौसम ना, तो बच्चों की फरमाइश पर मैं बनाने लगी हूँ राइस। आज बहुत मज़ा आने वाला है जी। चावल बनेंगे घर पर, और चावल बनाने के बाद जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और हम बच्चों की ही फरमाइश पर चावल पकाए जा रहे हैं। तो व्यूवर्स देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगली जो है मैं वीडियो में हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।